हेलो डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप सिविक्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं और सिविक्स में आज हम बात करेंगे बेटा स्टेट गवर्नमेंट की सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर इज स्टेट गवर्नमेंट ओके एंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर आर सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर फिर हम देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज उसके बाद में बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की एंड देन वी विल टेक अ लुक एट लेजिस्लेशन उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के लाइक फंक्शन की एंड फंक्शनरीज की एंड एंड सिविल सर्विसेज एडवोकेट ये सब कौन होते हैं इनके फंक्शन क्या हैं ये किस तरह से काम करते हैं दिस इज ऑल वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन ओके बिफोर दैट देर इज सेल्फ सर्वे फॉर यू ओके मेक श्योर यू आर एबल टू डू दिस हमने प्रीवियसली क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार देख लेते हैं हमने पढ़ा था गवर्नमेंट वर्क इन थ्री लेवल्स आप जब अपनी प्रीवियस क्लास में थे लाइक यू आर इन ग्रेड आप जब sixth में थे उस समय पर हमने ये भी जाना था कि हमारी जो सरकार है वो तीन लेवल में काम करती है लोकल स्टेट एंड नेशनल ठीक है ना तो इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट लेवल ठीक है तो हम यहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट की बात करने वाले हैं you may be familiar with some official names like district magistrate take okay, a bank officer collector medical officer okay. have you heard about mla or mp and the legislative assemblies have you ever heard about it if you haven't heard about it don't worry we are going to know about these things right now okay तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जब हम एम की बात करते हैं ये कौन होते हैं दीज आर द इलेक्टेड पीपल ठीक है ये क्या होते हैं इलेक्ट होकर आ रहे हैं इनके लिए इलेक्शन हो रहा है हम ऑलरेडी जानते हैं हमारे देश में इलेक्शन प्रोसेस किस तरह से काम करता है राइट right? तो जब ये लोग इलेक्ट होते हैं देन दे बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म्स द गवर्नमेंट इन दिस वे वी से The MLAs represent people. Every state in India has legislative assembly, and each state is divided into different areas called constituencies. देखो, जब हम ये मानलो ये पूरा इंडिया है, ठीक है? Um, बना लेते हैं थोड़ा बहुत, and pardon my rough geography, like rough mapping, but I'm just trying to give you one example of it. Let's say कि ये पूरा इंडिया है, ठीक है? यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले सारे स्टेट्स आ जाएंगे एंड या जो भी है तो जब हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो हमारे पास क्या है लोकसभा है राज्यसभा है लोकसभा में लोग इलेक्ट होकर जाते हैं पर जब हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करने लगते हैं बेटा फॉर एग्जाम्पल दिस फॉर एग्जाम्पल दिस फॉर एग्जाम्पल दिस ठीक है फॉर एग्जाम्पल दिस तो अब क्या होगा अब यहाँ पे ये यह हैं स्टेट्स ठीक है ना ये हमारे देश के स्टेट्स हैं यहाँ पर तो इन स्टेट्स में क्या होगी लोकसभा नहीं होगी विधानसभा होगी ठीक है लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और इस लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे लाइक like, स्टेट के लोगों ने जिन लोगों को वोट किया है वो इस असेंबली में बैठेंगे ठीक है जो वोट लाइक मेजोरिटी वोट पाकर जीते हैं वो यहां बैठेंगे ठीक है एंड रिमेंबर लोकसभा के लिए अगर कोई इलेक्शन है तो उसमें जो कॉन्स्टिट्युंसीज हैं पूरे कंट्री के अंदर लाइक डिवीजन होगा ठीक है लेकिन जब हम स्टेट के अंदर बात करेंगे तो केवल हमारे स्टेट के लोग जो हैं वो वोट करेंगे ठीक है तो चलिए हियर यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हाउ इट इलेक्ट द एम एल एज एंड अदर ऑफिशियल टू रन गवर्नमेंट हम क्या बात करने वाले हैं हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो एम एल एज हैं ठीक है एंड अदर ऑफिशियल वो किस तरह से सरकार को चला रहे होते हैं तो गवर्नमेंट फॉर्मड इन स्टेट आर नॉन इसको हम क्या बोलेंगे इट इज नोन एज स्टेट गवर्नमेंट हम इसको क्या बोलेंगे प्रदेश सरकार ठीक है चलिए

कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मेजर टास्क फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है मान लीजिए ठीक है इतना बड़ा स्टेट है तो सीधी सी बात है इसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना एक बड़ी बात है अपने आप में विच इन्वॉल्व मेनी इंस्टीट्यूशन इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन काम करेंगे ठीक है दीज इंस्टीट्यूशन एक्ट एंड रियक्ट टू मेनी सिचुएशन एंड टेक डिसीजन फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्टेट ये इंस्टीट्यूशन क्या करेंगी पॉलिसीज बनाएंगी ये इंस्टीट्यूशन क्या करेंगी कि एक्ट करेंगी किसी लाइक like, अगर कोई भी सिनेरियो खड़ा होता है कल कि पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई रिक्वायरमेंट होती है तो ये लोग क्या करेंगे ये उस एक्ट भी करेंगे रिएक्ट भी करेंगे पॉलिसीज लेकर आएंगे उनका इंप्लीमेंटेशन भी कराएंगे ठीक है तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर यस हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा एट नेशनल लेवल ठीक है एवरी स्टेट जैसे कि लोकसभा है नेशनल लेवल पर हर स्टेट के अंदर क्या होगी लेजिस्लेटिव uh, असेंबली होगी विधानसभा होगी ठीक है ठीक है इट इट लाइक इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड द पीपल दैट स्टेट हमारे ही स्टेट के लोगों ने इनको क्या किया है इलेक्ट किया है यस इन एडिशन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली सम स्टेट्स आल्सो हैव अनदर हाउसेस सिमिलर टू राज्यसभा अब देखो हम जब नेशनल लेवल पे बात करते हैं हम कहते हैं अपर हाउस इज राज्यसभा लोअर हाउस इज लोकसभा राइट तो इसी तरह से हमारे पास क्या होती है राज्य के अंदर विधानसभा है और विधान परिषद है काउंसिल लेकिन विधान परिषद सभी स्टेट्स में नहीं होती ठीक है अब जिन स्टेट्स में दोनों हैं यानी कि क्या है विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है इनको हम क्या देते हैं बाई कैमरल जिसके पास में एक ही है केवल विधानसभा है इसको हम क्या देते हैं ठीक है चलिए तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो दीज आर द स्टेट आंध्र बिहार तेलंगाना कर्नाटका महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश दे हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर ठीक है

वोट करते हैं जाकर ठीक है तो दीज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल आर नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली अब ये इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं एमएलए कहते हैं एम मेंबर्स शुड नॉट बी मोर देन 500 और लेस देन 60 इन ईच लेजिस्लेटिव असेंबली सो नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिक्सटी एंड लेस देन इक्वल्स टू फाइव ठीक है चलिए उट क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग एम एल ए यदि किसी व्यक्ति को एमएलए बनना, बनना है तो उसके लिए लाइक like, जाहिर सी बात है इलेक्शन तो होंगे ही पर आप इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाइड भी है या नहीं पहले यह देख लेते हैं पहली बात तो द पर्सन हैज बी दिटिजन ऑफ इंडिया ठीक है ही और शी शुड नॉट बी लेस देन ट्वेंटी फाइव ऑफ एज यानी कि आप पच्चीस या फिर पच्चीस से ऊपर होने चाहिए ठीक है नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट इंडिया और स्टेट आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उस समय पर उसका लाइक बेनिफिट नहीं ले रहे हो ओके एंड देन टू बी साउंड मेंटल हेल्थ लाइक आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो मैटर करती है इट शुड बी साउंड चलिए ट अबाउट द टर्म द टर्म ऑफ लेजि कितने साल के लिए पांच साल के लिए ठीक है ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि जब हम अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं की बात कर रहे हैं टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल तो वहां पे टेनिवर क्या होगा वो भी हम देखेंगे ठीक है द टर्म ऑफ लेजि असेंबली इज फाइव इन हाउ एवर गवर्नर में डिजोल्व द असेंबली बिफोर इट कंप्लीट इट्स टर्म गवर्नर को यह अधिकार है वो क्या कर सकते हैं असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं इसके टर्म से पहले ठीक है अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और अविश्वास जो है वो क्या हो गया सिद्ध हो गया कि हां भाई ठीक है तो वो उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं और किस परिस्थिति में कर सकते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट बनती है उस स्थिति में भी कर सकते हैं ठीक है चलिए टॉक अबाउट दी ऑफिसर्स

एज लॉन्ग एस द हाउस रिमेन्स फॉर एग्जाम्पल पांच साल का है तो पांच साल तक ये स्पीकर रहेंगे ठीक है द स्पीकर कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ असेंबली असेंबली की क्या करेंगे प्रोसीडिंग्स करेंगे ओके एंड देन इन हिज अब्सेंस इट इज लाइक डिप्टी स्पीकर हु परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ स्पीकर ठीक है चलिए ट अबाउट पावर्स एंड फंक्शन असेंबली इट इज वेरी इम्पोर्टेंट यदि आप ये समझना चाहते है कि हमारा स्टेट किस तरह से काम कर रहा है तो हमारी सरकार किस तरह से काम करती है तब ये जो हेडिंग है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पावर्स क्या है फंक्शन क्या है ठीक है तो देखो द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेड बाई इलेक्टेड एम एल एज मेनली टू टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन से

पहले कॉन्स्टिट्यूशन uh, में एट शेड्यूल्स थे उसके बाद में बारह हो गए तो इन बारह में से जो सेवन्थ शेड्यूल है वो किसकी बात करता है वो तीन तरह की लिस्ट की बात करता है कौन कौन सी लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ठीक है तो जो यूनियन लिस्ट है और जो यूनियन लिस्ट है इस पर तो लाइक uh, केंद्र सरकार काम करेगी यानी कि कौन सी सरकार

कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांड पावर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली हमने इसकी बात करी ठीक है हमने बात करी कि जो भी कॉन्ट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उसको क्या करेगा जो भी मेंशन उसमें सब्जेक्ट मेंशन है उसमें स्टेट जो है वो परफॉर्म करता दिखाई देगा एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल पावर द असेंबली इंजॉय सुप्रीम अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू पासिंग ऑफ स्टेट बजट ठीक है राज्य का बजट जब पास होता है ठीक है ना तो उसमें किसका रोल आपको नजर आएगा राज्य सरकार का देन मनी बिल देन परमिशन ऑफ लिवाइंग टैक्सेस एंड फिक्सिंग सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस बाय लेजिस्लेटिव असेंबली दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू मार्केट एज अ एजार ठीक है मनी बिल्स जितने भी होंगे वो कहां पास होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में ठीक है ना चलिए कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स the assembly exercises control over the state council of ministers a member of the assembly may ask question to the ministers Take they point out the problems in the administration and they may demand the resign resignation of any one of the minister or may pass no confidence motion against council of minister and thus

तो क्योंकि मेजोरिटी जो पार्टी है वो इस समय लाइक रूलिंग पार्टी है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन को प्रूव नहीं कर पाते हैं तो अगर वो पारित हो गया तो क्या होगा तो सरकार बदल जाएगी मिनट से पहले ठीक है आई मीन मिनट से पहले नहीं बट स्टिल इट वॉज जस्ट अग ओके तो Like government has to resign basically no confidence motion pass now let's talk about legislative council राज्यसभा में, में तो directly जो लोग elect हो रहे हैं वो जा रहे हैं ठीक है लेकिन राज्यसभा में directly elected members नहीं जाते जो like लोकसभा के elected members हैं उनमें से कुछ लोग राज्यसभा में जाते हैं Same is the case here in विधान परिषद में भी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स नहीं जा रहे हैं एंड दिस इज द रीजन की विधानसभा को क्या किया जा सकता है डिजोल्व किया जा सकता है लेकिन विधान परिषद को डिजोल्व नहीं किया जा सकता ठीक है साइज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्टिव असेंबली ठीक है आपको यह ध्यान रखना है कि इसका साइज कितना मैक्सिमम हो सकता है इट कैन नॉट बी मोर देन वन थर्ड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट लेस फोर्टी चालीस से तो कम नहीं होना चाहिए ठीक है अब जितने भी मेंबर्स हैं उस असेंबली में उसका वन थर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है मतलब एक नंबर फिक्स नहीं किया है कि इतने ही होंगे लेकिन यह बता दिया कि चालीस से कम नहीं होने चाहिए थर्टी नाइन बिल्कुल नहीं चलेगा और जितने भी मेंबर्स हैं आपकी असेंबली में उसका वन थर्ड जो है आपकी काउंसिल में होने ही होने चाहिए ठीक है ओके द फाइनल कंपोजिशन इज डिसाइडेड बाई दार्लियामेंट And the legislative council is part of, like, is a part nominated and part elected body. Matla, isme kuch members nominated or kuch members elected hain. Nearly five sixth of the members of the legislative council are elected and the remaining one sixth are nominated. Okay. So, this is what you need to understand. The common people are only indirectly involved in the election of council and the electoral college of the council elections comprise local authorities, teachers, graduates, and MLAs. Okay. And each of these groups make up different council constituencies. Mm -hmm. Thus, local authorities' constituencies elect one third of the members, like uh, graduates, like teachers. Okay. The constituencies elect one twelfth.

कहा देखा था राज्यसभा में देखा था बारह लोग थे जिनको अलग अलग क्षेत्र के लोग थे उनको नॉमिनेटेड किया जाता नॉमिनेट किया जाता था यहां पे कौन करेगा स्टेट के अंदर गवर्नर वही काम करेंगे यूजली रिन पर्सन फ्रॉम वेरियस फील्ड्स आर नॉमिनेटेड टू काउंसिल ठीक है चलिए द काउंसिल इलेक्ट्स इट्स चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ठीक है डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन का क्या होगा इलेक्शन होगा किसके बीच में से होगा ये जो एम एल हैं कुछ वो ही अपने में से क्या करेंगे इलेक्शन um, करेंगे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का ठीक है फ्रॉम इट्स मेंबर्स द काउंसिल इज अ परमानेंट बॉडी दैट कैन नॉट बी डिजोल्व हमने इसकी बात करी थी मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ सिक्स जब हम विधानसभा की बात कर रहे थे तब टेन्योर कितना था फाइव इयर्स जब हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो टेन्योर हो गया बेटा सिक्स और ये लोग रिटायर कैसे होंगे ये देखो, हर दूसरे साल में जिन लोगों का टेन्योर कंप्लीट हो गया है वो रिटायर हो जाएंगे फिर क्या होगा इलेक्शंस आर देन हेल्ड टू अप दीज सीट्स इन सीट्स को फिल करने के लिए इलेक्शंस होंगे ठीक है चलिए Now let's talk about the legislation. Yes, legislation the preparing and enacting local, state or national legislature. The house where this rule making process takes place is called legislature. जहाँ पे आपके क्या बन रहे हैं देखो हमने तीन bodies पड़ी थी right हमें already पता है कि हमारे देश में एक है legislature, एक है executive, एक है judiciary ठीक है तो ये लेजिस्लेचर क्या करेगी कि किस तरह के रूल्स हमारे देश में फॉलो होंगे वो रूल्स कहां बनेंगे लेजिस्लेचर में ठीक है इन द प्रोसेस एंड एमएलएज़ आर इन्वॉल्व ठीक है एंड देन आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देन एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड देन एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये सब रहते हैं इसमें पार्टिसिपेंट में इन रूल मेकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड लेजिसलेशन ठीक है एंड दे इंट्री एंड दीपल आर ऑब्लिकेटेड टू फॉलो दम ये क्या कर रहे हैं ये लॉ बना रहे हैं और हमें क्या करना है उन लॉज का उनको फॉलो करना है ठीक है चलिए प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ प्रोसेस क्या रहता है देख लेते हैं फटाफट से दो सबसे पहले क्या होगा

इसको किया, इसको किया, फिर इसको ड्राफ्ट किया किया प्रपोज फिर कहा भेज दिया विधान परिषद ने भेज दिया अब विधान परिषद ने कहा कि भाई इसमें कुछ क्या होने चाहिए अमेंडमेंट होने चाहिए तो ये अमेंडमेंट सजेस्ट करेंगे ये अमेंडमेंट जो ये काउंसिल सजेस्ट करेगी ठीक है ना तो ये बाइंडिंग नहीं है जरूरी नहीं है कि उन अमेंडमेंट्स को किया ही जाएगा लेकिन किया भी जा सकता है तो इसीलिए एक टाइम दिया जाएगा और उस टाइम के बाद में जब ये लाइक सम लाइक अमेंडमेंट सहित या अमेंडमेंट के बिना क्या कर दिया जाएगा जब इस पे चर्चा पूरी हो जाएगी कि हाँ ठीक है आफ्टर दे डिस्कस दे इंट्रोड्यूस द लॉ टू अपर हाउस दे लाइक वी हैव डन दिस इफ दे पास द बिल अगर ये बिल जो है वो मतलब ठीक है किसी को कोई इसमें आपत्ति नहीं है ठीक है दे सेंड इट टू द गवर्नर अब किसको भेजा जाएगा गवर्नर को भेजा जाएगा फॉर अप्रूवल आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर द बिल बिकम्स एन एक्ट सेम वॉज द केस इन लाइक वेन वी वर टॉकिंग इन context ऑफ नेशनल लेवल ठीक है वहां पे कोई भी बिल जो लाइक like, राष्ट्रपति साहब ने जिसको पास कर दिया तो वो बिल से क्या बन जाता है एक्ट बन जाता है मतलब बिल्स जो होते हैं ना वो भाई एक्सेप्ट भी हो सकते हैं रिजेक्ट भी हो सकते हैं लेकिन अगर वो एक्ट बन गया अब वो पूरे देश में लागू हो जाएगा या फिर अगर हम राज्य के context में बात कर रहे हैं तो वो पूरे राज्य पर अप्लाई हो जाएगा ठीक है अच्छा राज्य पे कौन सा होगा और लाइक पूरे देश पे कौन सा होगा जिसको प्रेसिडेंट साहब ने एक्ट बनाया है वो लाइक ने, नेशन वाइड फॉलो किया जाएगा जिसको लाइक गवर्नर ने हमारे स्टेट के गवर्नर ने क्या किया है पास किया है तो वो स्टेट वाइड जो है वो फॉलो किया जाएगा ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ लाइक नॉट फंक्शन बट वी विल टॉक अबाउट द फंक्शनरीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ओके कौन कौन होते हैं भाई हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि जो भी क्या करेंगे बिल को एक्ट बना देंगे वो गवर्नर है ठीक है तो हम गवर्नर के बारे में बात करेंगे देन हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की ठीक है उसके बाद में हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एंड देन वी विल सी कि भाई ये सिविल सर्विसेज क्या है स्टेट सिविल सर्विसेज क्या है और फिर एडवोकेट जनरल कौन होते हैं एंड देन वी आर डन विद चैप्टर ओके टॉक अबाउट गवर्नर क्विकली The governor is head of a state, just like president is the head of the country. ठीक है? यही क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है? एकदम बिगिनिंग में पूछा गया है, राइट? Right? तो आपका आंसर होगा गवर्नर, ओके? Okay. Now see, he or she is appointed by president and held officer of the term of of. Five year. ये कितने साल के लिए गवर्नर एट हिस्सन ठीक है तो ये इसको हिंदी में ऐसा बोला जाता है कि जो ये हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं ऑल्सो द प्रेजिडेंट कैन एक्सटेंड दिन इनका टेन्योर एक्सटेंड भी कर सकते हैं द पावर ऑफ गवर्नर इज लाइक द प्रेजिडेंट बट एट अ स्टेट लेवल

गवर्नर के पास है, है? राइट? ठीक जो भी बिल लाइक uh, पास like, होंगे उसको एक्ट बनाने के लिए स्टेट में किसका काम लिया जाएगा ये हमारे यूपी की कौन है गवर्नर है जिनका नाम है लाइक आनंदी बेन पटेल ठीक है if the state legislature is not in the session then governor can issue order called ordinance and his ordinance will be valid until 6 weeks after he after the next session of the state okay but state legislature has the power to approve or not this is something which is very important okay the governor also has the power to suspend the sentences passed by the court under the state law okay सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है ठीक है यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट चीफ मिनिस्टर ठीक है वी ऑल नो दिस पर्सन द चीफ मिनिस्टर देखो ये इनको तो हम सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश और अगर आप उत्तर प्रदेश को बिलोंग नहीं करते हैं देन यू मस्ट नो नेम ऑफ योर चीफ मिनिस्टर ओके द चीफ मिनिस्टर परफॉर्म मोर और लेस द सेम फंक्शन एज द स्टेट ठीक है दो परफॉर्म बाय द प्राइम मिनिस्टर जो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर काम करेगा वही स्टेट में कौन करेंगे चीफ मिनिस्टर करेंगे आफ्टर द द द द जनरल इलेक्शंस ऑफ ऑफ असेंबली गवर्नर इनवाइट लीडर्स पार्टी दैट दैट या हैज वन ऑफ द सीट्स इन हाउस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट ठीक है अब क्या होगा जो इलेक्शन होते हैं ठीक है जो विधानसभा के इलेक्शन मेजोरिटी सरकार जिसको वोट मिली उनमें से एक व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा इफ देर इज नो क्लियर मेजोरिटी तो सीधी सी बात है क्या कोलेशन सरकार बनेगी हम इसको ऑलरेडी जानते हैं द the लीडर दे चूज इज इन चीफ मिनिस्टर को ये मेजोरिटी जो पार्टी है वो चूज करेगी वो क्या करेगा शपथ लेगा कौन से पद की मुख्यमंत्री गवर्नर ऑल्सो स्वीयर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर ठीक है एंड देन गवर्नर एडमिनिस्टर्स टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिफोर द एंटर द स्टेट लेजिस्लेचर ये याद रखना है कि कौन शपथ दिलवा रहा है द चीफ मिनिस्टर इज रियल हेड ऑफ द स्टेट एंड मेन फंक्शन हम मेन मेन फंक्शन देख लेते हैं फटाफट से टू एडवाइज गवर्नर ऑन द सिलेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल में किस किस को मिनिस्टर लाइक सेलेक्ट करना है इसके लिए एडवाइस देंगे गवर्नर को ठीक है टू प्रिसाइड ओवर कैबिनेट मीटिंग एंड टू डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियोंगस एंड टू अपॉइंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स इफ नीडेडोलियो इफ नीडेड ऑफ चीफ मिनिस्टर इसके बाद में स्टॉक अबाउट दिसक देखो यहाँ पे एक बार एक नजर डालते हैं एज द हेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट

Was the first woman chief minister of independent India. She was the chief minister of Uttar Pradesh. It's a factual information. Who was the first woman chief minister of India? Then comes Council of Ministers. The Council of Ministers headed by Chief Minister. The total number of ministers, including the chief minister, cannot be more than 15% of the total strength of the legislative assembly. Ministers are chosen by the chief minister from among the legislators, and these Like there are three categories of ministers at state level. तीन तरह के आपको ministers देखने के लिए मिल रहे हैं बेटा. Cabinet ministers, ministers of state and deputy minister. ठीक है. A cabinet minister holds the overall charge of one or more portfolios and may be assisted by ministers of state, deputy ministers and the cabinet makes all the important decisions. This is what you need to understand ki bhai कैबिनेट मिनिस्ट्री का क्या काम है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट का क्या काम है एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स का क्या काम है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इसको अगर हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्ट में बात करेंगे तो एक एग्जाम होता है यूपीपीएससी का उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जिसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप क्या बन जाते हैं आप सिविल सर्विसेज में एंटर हो जाते हैं ऑल द डिसीजन मेड बाय द मिनिस्टर्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ सिविल सर्विसेज ठीक है मिनिस्टर्स जो डिसीजन देते हैं किसके एडवाइस से ले रहे हैं सिविल सर्विसेज को क्रैक करके जो लोग आए हैं ठीक है रन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ द स्टेट द द वे डू एट द सेंटर, ठीक है एट द स्टेट लेवल आर अपॉइंटेड बाई सिविल सर्विस कमीशन यानी कि जब हम स्टेट सेंटर लेवल पे बात करेंगे तो हम एक एग्जाम क्रैक करते हैं जिसका नाम है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और वहां से जो लोग लाइक आईएएस आईपीएस बनते हैं ठीक है तो इनके सजेशन पे जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं काम करते हैं लाइक पॉलिसीज डिटरमाइन करते हैं आइन एंड स्टेट में वही चीज जो स्टेट सिविल सर्वेंट्स हैं वो करते हैं ठीक है ना अब देखो ये यहां देखते हैं

और अगर वो लाइक like, uh, क्या करके यूपीपीएससी के थ्रू आया है या किसी स्टेट सर्विसेज के थ्रू आया है तो उसको थोड़ा क्या लगता है डायरेक्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने में वक्त लग जाता है बट यस दीज आर दिविल सर्वेंट्स विद हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स ठीक है दिस इज वी कैन से क्योंकि मिनिस्टर्स एडवाइस किसके ले रहे हैं सिविल सर्वेंट्स की ओके एडवोकेट जनरल एंड एडवोकेट जनरल इज एन ऑफिशियल ऑफ द स्टेट हु गिव्स एडवाइस टू द एग्जीक्यूटिव ऑन लीगल मैटर्स

एन एडवोकेट जनरल कैन टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बट डेव दावर टू वोट ये स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी चीज में वो पार्टिसिपेट तो कर सकता है लेकिन वो वहां पर वोट नहीं देगा इज वर्क स्मूथली इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड लेट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली लाइक आर एम एल ए

उट स्टेट लेजिस्लेचर है उसको क्या बोलेंगे यूनिक कैमरल बोल देंगे जिसके पास दो थे उसको बाई कैमरल ऑफ लेजि असेंबली ध्यान से पढ़ना है असेंबली की बात कर रहे हैं तो फाइव ईयर्स अगर काउंसिल की बात करते हैं, तो सिक्स इन एन एम एल ए शुड बी एन एडल्ट साउंड माइंड नॉट लेस देन ट्वेंटी फाइव ईयर्स ठीक है Tell you. so let's quickly fill these circles and then we will move on to the next exercise question number one option number d question number two option number b okay. and make sure your circle is filled well okay yeah now question number three option number c yes Question number four, option number A. And that is the correct answer. Perfect. Now let's move on to fill in the blanks quickly. The legislature that have both legislative assembly and legislative council are known as bicameral. Yes? So we will say bicameral. The dash is head of the state, just like president. So we will say governor. The participating members in the rule making process are called legislature. The legislative council or Vidhan Parishad is also called. So do we call it upper house? Yes. okay now let's move on to true and false state government makes policies for entire country no state governments makes policies for state only legislative council passes money bill is that true is it legislative council or legislative assembly so we will say it's false to become a member of the council an individual these two need to be citizen of india that's true and then vidhan sabha or state legislative assembly is the upper house vidhan sabha it is saying assembly not council so we will say it's false so that is all for today i hope you enjoyed the session and most of the concept must be clear till now i'll see you in the next session and before i leave i would just say one thing keep learning keep revising because revision is the key to success i'll see you in the next session bye-bye